जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मध्य प्रदेश में पटवारी मामले में राजस्व मंत्री की ऑफिस का घेराव करने जा रहे कांग्रेसियों पर वाटर कैनन क्या और चार जो हैं घायल हुए। जी हां दोस्तों, आप सभी के लिए बताने क्या है ये पूरा मामला, आप देख सकते हैं यहां पर, ये यहां पर तस्वीर है, ये न्यूज निकल कर आ रही है। आज की जो है न्यूज है क्या है, पटवारी भर्ती परीक्षा के विरोध में कांग्रेस गुरुवार को राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के ऑफिस का घेराव करने पहुंचे। गोपालगंज झंडा चौक से रैली के रूप में जा रहे कांग्रेसियों को जेल के पास कैबिनेट लगाकर रोका जा रहा था। कार्यकर्ता बैरिकेड हटाकर आगे बढ़े तो पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। पानी की तेज बौछार से चार कार्यकर्ता घायल हो गए। पुलिस ने प्रदर्शनकारी कांग्रेसियों को गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। एवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष राहुल चौबे के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन के दौरान भारी पुलिस बल मौजूद रहा। जिला अध्यक्ष चौबे ने CBI जाँच और परीक्षा परिणाम को नष्ट करने की मांग की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जिसका जीता जागता उदाहरण हाल ही में से हुआ पटवारी परीक्षा का परिणाम है, जिसमें ग्वालियर के एक सेंटर से 1000 अभ्यर्थी चयनित हो जाते हैं और प्रदेश महासचिव ने भर्ती पटवारी घोटाले को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा और भर्ती रद्द करने की भी मांग की है। कांग्रेस सर अध्यक्ष और भी जो हैं एवा कांग्रेस सर के अध्यक्ष भी यहां पर मौजूद थे और बहुत सारे जो हैं इसमें इस रैली में जो हैं शामिल हुए। और देखिएगा, इस प्रकार ये जो है प्रदर्शन कर रहे थे तो इनको जो है कांग्रेसियों पर वाटर कैनन किया और जिसमें चार घायल भी हो गए हैं। तो ये जो है न्यूज़ थी, सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।